के लिए मैं कुछ लेके आया था और वहां पे टॉफी और मैंने कुछ रखी थी, क्या आपने इसको यहाँ फेंका था? और ये हेडपंप में से जो ब्लड निकला, आप वहीं रुक जाओ, आपको भगवान का वास्ता है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे। तुम्हें इसकी आंखें देखो यार एक बार। आंखें की मैं सोच रहा हूँ, आंखें चमक रही है इसकी शायद, है ना? है ना? हाँ भाई, ऐसी नहीं थी इसकी आंखें पहले यार, जैसे ये अपन को घूर रहा है ना, पास में आके देखो, रियल आंखें लग रही है, जैसे कि कोई इसके अंदर है। भाई फोकस करके देखो भाई, कसम से है ना भाई, देख कसम से अपन को घूर रहा है जैसे। भाई देखो भाई, हेडपंप हेडपंप हेडपंप। Please like and subscribe Horror in channel. ये क्या रहा था भाई? भाई इसमें तो भाई साहब ये क्या चीज है यार, और हम यहाँ से पीछे हट रहे हैं और आपको हमारे सामने आना है और ये चीजें एक्सेप्ट करनी है। आप मुझे अपना भाई मान सकते हो, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। चीटी कहाँ गया लेकिन यार, चीटी आस पास में हो। भाई गिर रहा था, ये रहा था पीछे से, ये पूरा पानी हिल रहा है। दोस्तों यार, आप लोगों के कहने पे ही वापस आपका भाई राधे उसी लोकेशन पे पहुंचा है, ठीक है। लास्ट वीडियो पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि यार भैया वापस उस जगह जाओ और उस मासूम बच्ची के लिए जितना हो सके आप कुछ करो। तो लोकेशन आप देख के समझ गए भाई, बार लाइट बढ़ा देना थोड़ी सी। ये वही टैंक है जिसके बारे में मैंने बताया, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द आरजे व्लॉग्स पे, और हाजिर है आपका भाई राधे। जैसा कि मैंने बताया उसी लोकेशन पे आया हूँ, ये चीज आप देख रहे होंगे, ये वही हेडपंप है जो मेन इस जगह को हॉन्टेड बनाता है। और दूसरी चीज है ये टैंक, मेरे पीछे आपको एक टैंक दिख रहा होगा पानी का, ये दो मेन ऐसे पॉइंट है इस जगह के जिसकी वजह से ये वीरान पड़ी जगह हॉरर है और बहुत ज्यादा हॉन्टेड पैलेस बन चुकी है, ठीक है। जिन भाइयों को यहाँ की स्टोरी पता नहीं है, इसका फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख लेना। और दोबारा से दोस्तों आपका भाई पहुंचा है उसी जगह उस बच्चे की मदद करने के लिए। लास्ट टाइम हम आए थे, हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ, वो इतनी गुस्से में थी कि शायद हमें वो नुकसान भी पहुंचा सकती थी, इस वजह से हमें यहाँ पे कैमरा बंद करके भागना पड़ा। और हो सके आज भी हमारे साथ ऐसा कुछ होए, बट आपका भाई कुछ ऐसा लेके आया है जिससे शायद वो हमें समझे कि हम उसकी हेल्प करने के लिए आए हैं। मेरे बैग में एक चीज है दोस्तों, मैं लेके आया हूँ यार, क्योंकि आपको पता है दोस्तों के जो बच्चे होते हैं ना उनको ऐसी चीजों से ज्यादा लगाव होता है, कोई भी जैसे खिलौना कुछ भी ऐसा हो, ठीक है, उसको देना कोई तो उसको ऐसा लगता है कि ये कोई मेरा अपना है। इस वजह से दोस्तों
मैं उस मासूम सी बच्ची के लिए एक टेडी बियर लेके आया था, ठीक है, और कोशिश करूंगा उसको बुलाने की कि यार वो यहाँ पे आए और हम लोग उसकी मदद कर सके, ठीक है। एक चीज और है मेरे बैग में, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि उसके लिए और क्या लेके आया। शायद आज ये टेडी हमें उस बच्ची की हेल्प करने में मदद करेगा। उसका रीजन ये है दोस्तों कि यार वो जो बच्ची थी, बचपन छीना गया उसका, उसके साथ इतना टॉर्चर करा गया कि यार वो यहाँ आके ये जो टैंक दिख रहा है आपको, इसमें उसे सुसाइड करना पड़ा, ठीक है। तो शायद आज दोस्तों इस टेडी को, उसको देखे हम शायद उससे बात कर पाए। और दूसरी चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं लेके आया हूँ ये टोफिया। ये जो हाथ में टोफिया देख रहे हो आप, मेरे हाथ में जो ये टोफिया देख रहे हो दोस्तों आप, शायद इनको देख के भी वो बच्ची हमारे से कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश करे। और मुझे जहाँ तक लगता है ना यार दोस्तों, कि यहाँ पे आते ही मुझे ऐसे फील हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास जरूर मौजूद है। मेन चीज है, लास्ट टाइम हम आए थे ना, बार बार ये हेडपम्प हिला था, बट आज आपका भाई यहाँ से तभी जाएगा कि जब तक वो बच्ची हमारे सामने नहीं आती। बस एक चीज का डर है यार दोस्तों, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखो ऐसी चीजें, इनका सामना करना पॉसिबल नहीं है। काफी टाइम से उस लड़की की आत्मा भटक रही है, पता नहीं कितनी बुरी आत्मा उसके साथ लगी हुई है, तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। सेफ्टी है बट फिर भी डर है, लेकिन कोशिश करेंगे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट साथ रहे। भाई है ना, हाँ इस तरफ से आवाज आई थी ना, आगे से आवाज आई। पानी के अंदर से आवाज ही रह गया। ये कैसा है ना, वैसे भी चीटे लगे हुए, पहले इधर से आवाज आई रह गया, फिर इधर से आवाज आई थी है ना। हाँ भाई, टाइम नहीं खराब करते, काम करते हैं, अभी बैग लगाओ पहले तो, पीछे वापस उसको बुलाते हैं ना। और शायद बेटा देखो, अगर आप हमारे आसपास मौजूद हो, मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ और यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं आपकी कुछ हेल्प या मदद कर सकूँ, आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूँ, तो आप ये चीजें एक्सेप्ट करोगे मेरे से, ठीक है। ऊपर कैमरा दो, ऊपर की तरफ मैं दिखा दूँ इनको कि यार जो वो टैंक है दोस्तों, ये वो टैंक था पानी का। देखो अंदर की तरफ कैमरा करके दिखा दूं मैं आपको पूरा, ये वो पानी का टैंक था जिसमें उस बच्ची ने सुसाइड करा था, ठीक है। पकड़ो भैया, भाई यहीं पे रखते हैं यार, क्योंकि मेरे को लगता है ना जहाँ तक, ठीक है, हाँ। यहाँ पे उसने सुसाइड करा है ना, हाँ। तो इसी जगह आएगी, और लास्ट टाइम इस टैंक के ऊपर ही दिखाई दी थी। इसको टेडी को यहीं रखते हैं, ठीक है, और ये टोपिया भी यही रखते हैं। इसको क्या आवाज थी यार, अजी जंगल में से आवाज आ रही है पीछे से, है ना। हाँ दोस्तों, यार ये टोपी और ये चीजें रखते हैं और नीचे उतर के रिक्वेस्ट करते हैं उस बच्ची से कि वो सामने है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो हमारे आसपास कहीं मौजूद है, 100% शोर हूँ मैं कि कहीं ना कहीं वो है। वही यही रखते हैं और देखते हैं। तभी फिर से आवाज आई जंगल में से, इस तरफ से आवाज आई। हाँ पहले भी आई थी इधर से आवाज, है ना, मैंने पुकारा जैसे। हाँ देखो बेटा, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम यहाँ से पीछे हट रहे हैं और आपको हमारे सामने आना है और ये चीजें एक्सेप्ट करनी है। आप मुझे अपना भाई मान सकते हो, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। एक बार जिस तरफ से आवाज आई ना, इसी की तरफ चल के आते हैं। भाई लेकिन लास्ट टाइम हम आए थे ना, हाँ तब भी है ना,
कोई चीज थी तो इधर पीछे की तरफ नजर आई थी, पर भाई ये जगह ऐसी जगह पे है कि यार जंगली जानवरों का भी खतरा है। बेटा अगर आप हमारे आसपास कहीं भी मौजूद हो तो वो टैंक पे जहाँ पे आपने सुसाइड करा था वहाँ पे मैं कुछ रख के आया हूँ, क्या आप उन चीजों को ले सकते हो? अगर आपने उनको एक्सेप्ट करा या उनको ले लिया तो मैं समझूंगा कि आप चाहते हो मैं आपकी मदद करूं और आपने मुझे अपना भाई माना है। दोस्तों यार सच्ची कहूँ ना, इस जगह के बारे में सुन के थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया कि यार वाकई उस बच्चे के साथ उसकी चाची ने गलत करा था, बहुत गंदा करा था। यार खुद की बच्ची को तो वो खेलने भी दे रही थी, स्कूल भी भेज रही थी, लेकिन इस मासूम बच्ची को वो टॉर्चर कर रही थी। दिन भर घर का काम, पानी भरना, झाड़ू पोछे, बाहर जाते ही वो उसको मारती थी, पीटती थी। अंत में आके उस बच्ची ने सुसाइड करा। और कसम से दोस्तों, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, माँ कसम के किसी के साथ इतना टॉर्चर होना तो वो यही करेगा, बिल्कुल वो मौत को ही गले लगाएगा, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। भाई फिर से आवाज आ रही है ना, इस तरफ करना। ओए हेडपंप 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 चला है। ये क्या रहा था क्या भाई इसमें? तो ओ भाई साहब ये क्या चीज है यार? रदी भी देखो इसके अंदर कोई जानवर भी मरा हुआ है। ओ भाई मैं निकालू कैसे बाहर? वैसे बाहर निकालो एक बार। ओ भाई ये क्या चीज है यार, लाल लाल यार। भाई नीचे देखो यार, इसकी आवाज आई थी यार, कोई चलाया, किसी ने चलाया इसको। हाँ अभी भी भाई इसमें से निकल रहा है कुछ। भाई ये है क्या? अरे से हेडपंप में से निकल रहा भाई, ये खून जैसा लग रहा है मुझे, कसम माँ कसम। भाई ये कोई तो इशारा है अपने लिए क्या बेटा? ये आपने करा है? वो टेडी का क्या भाई पास में है ना? ओए भाई भाई वो टेडी कहाँ है? यहीं पे तो रखे गए थे ना यार। कहाँ गया? तदवीन में से एक टॉफी खुल रखी है, ये देखो। ओ भाई कोई तो आके गया भाई, ये टॉफी खाई है किसी ने तो माँ कसम। हाँ ये देखो इसमें तीन पीस थे भाई। वो टेडी कहाँ गया? लेकिन यार टेडी आस पास में होगा। ओ ओ ओ भाई ओ भाई इसमें कुछ गिरा था। ओ ये रहा था यार पीछे से, ये पूरा पानी हिल रहा है यहाँ पे। तुम कर दे यार, पता करो यार। उधर की तरफ देखो, उधर की तरफ, पीछे की तरफ। नहीं भाई भाई ये कोई इशारा है कसम से भाई, उधर कोई आवाज है। भाई देखना कहीं यार कुछ दिखाई देते हो, गया कहाँ यार? रदबी ये रहा। भाई भाई ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? तो भी इसकी आंखें देखो यार एक बार, आंखें की मैं सोच रहा हूँ आंखें चमक रही है इसकी शायद, है ना? है ना? हाँ भाई ऐसी नहीं थी इसकी आंखें पहले यार। भाई पास में जैसे कि अपन कोई घूर रहा है ना, पास में आके देखो, रियल आंखें लग रही है जैसे कि कोई कोई इसके अंदर है। भाई फोकस करके देखो भाई, कसम से है ना भाई, देख कसम से अपन कोई घूर रहा है जैसे। भाई देखो आगे आके आके देखो एक बार यार, माँ कसम ऐसे लग रहा है इसकी आंख रियल आके होती है जैसे। भाई पीछे हटो भाई, भाई इसको चुनना ठीक रहेगा क्या यार? भाई यहाँ कैसे आया ये? वहां से वो टॉफी भी किसी ने खा ली, ये टेडी भी यहाँ पे आ गया। भाई हेडपंप में से खून, ये कुछ तो कहना चाह रही है। बेटा अगर आप कुछ हमें हिंट देना चाहते हो, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि हमें किसी न किसी तरीके से
आप समझाओ, ठीक है मैं समझ नहीं पा रहा आप कुछ कहना चाह रहे हो तो। हेडपंप से जो ब्लड निकला है क्या वो आपका है? वो जो टेडी बियर यहाँ आया था ये आप लेके आए थे क्यों? तो सामने की तरफ, सामने की तरफ ही, सामने से तरफ, इसी तरफ से है ना? हाँ। देखो बेटा, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो मेरे सामने आओ, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। मेरे तो भी आवाज है पीछे से, तरफ से भाई, पीछे से, यहाँ से। ये नीचे कैसे गिरा भाई? अभी तो ऊपर था ये भाई, इसमें कुछ है तो नहीं यार। रुक भी आराम से, हवा जी भाई कोई तो है यार, माँ कसम वो अपने को ना अभी भी गुस्से में लग रही है भाई। यार ये कसम से काफी डरावना हो गया है, ये ऐसा नहीं था यार। बेटा देखो, मैं आपसे आखिरी बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे सामने आओ, मुझे अपना भाई मान सकते हो। रुद्रिया, वो देखो सामने भाई, भाई ये वही है, ये उसी जगह है, ये उसी टैंक पे। बेटा देखो, मैं आपको अपनी छोटी बहन मान रहा हूँ, और आपके लिए मैं कुछ लेके आया था, और वहाँ पे टॉफियाँ और मैंने कुछ रखी थी, क्या आपने इसको यहाँ फेंका था? और ये हेडपंप में से जो ब्लड निकला, आप वहीं रुक जाओ, आपको भगवान का वास्ता है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे। मैं आपकी हेल्प के लिए आया हूँ, अगर आप चाहते हो मैं आपका कुछ अच्छा करूँ आपके लिए, आपको मुक्ति दिलाऊँ, अगर उसमें आप राजी हो, आपकी हाँ है, मैं टेडी आपके वहां रख रहा हूँ और आप इसे एक्सेप्ट करोगे। मैं आगे जाके आता हूँ सुबह, ठीक है? रघुवीर आराम से आ रहे हैं ना, होता है ना मुझे, आप यहाँ से निकल लोगे, ठीक है भाई? ठीक है रघुवीर, वैसे तो मेरे पास सेफ्टी है। देखो मैं आपके पास आ रहा हूँ विश्वास करके, आपको अपनी बहन मान के आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। भाई मैं जाता हूँ, ठीक है? आराम से रहती भाई, आराम से। इस टेडी को वहां रख के मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, पीछे हटके बस। रहती भैया, रहती भैया, रहती भैया, इसका फेस माँ की कसम पूरा फिल्म चला हुआ। बेटा तुम्हें उसने कुछ करा तो नहीं ना? कर रहा हूँ, आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूँ भाई, पीछे पीछे। अगर मैं आपकी हेल्प करूँ तो आप इस टेडी को एक्सेप्ट कर लो, आपके पास रखो भाई, पीछे रहो, इसी तरह पीछे रहो। मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ कि आप चाहते हो मैं आपकी हेल्प करूँ तो इस टेडी को एक्सेप्ट कर लो। रुद्रिया, निकल यहाँ से।